कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस को जैसे संजीवनी मिल गई हो। कर्नाटक की जीत से जहां देश भर में कांग्रेसियों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं जबलपुर में भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कर्नाटक की जीत पर सभी का मुंह मीठा कराया और जीत की बधाई दी। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना था कि यह जीत असत्य पर सत्य की विजय है। शनिवार के दिन जिस तरह से बजरंगबली ने कांग्रेस को जीत दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगा है। महापौर ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुनने के बाद भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब जनता उनके भुलावे में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि यह बदलाव का दौर है और यह बदलाव मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। बोलिए बजरंगबली की जय। कर्नाटक में शनिवार के दिन भगवान श्री राम के भक्त प्रभु हनुमान जी ने हम सबको शनिवार के दिन ये प्रसाद दिया है कर्नाटक की जीत का। हम अपने इष्ट देव हनुमान जी और भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। यही असत्य के ऊपर सत्य की जीत है, यही अन्याय के ऊपर न्याय की जीत है। ये जो शासन करने लोग आते हैं सत्ता में, उनके ऊपर सेवा करने वालों की जीत है और ये जीत की शुरुआत है। विश्वास मानिए, कर्नाटक से शुरुआत हुई है, ये दिल्ली तक 2024 तक जाएगी। मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 18 वर्ष जो लोग मध्य प्रदेश के परेशान हुए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे इनका हर तरीके का कुशासन हो, इसके ऊपर फिर आम जनता मध्य प्रदेश की भी कांग्रेस को जीत दिलाएगी। पर एक सुखद वातावरण, एक अच्छी योजनाओं का वातावरण, एक अच्छे नए मध्य प्रदेश का वातावरण बनेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आएगी।